नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, लेबनान में इजराइल को ग्राउंड ऑपरेशन में बड़ा झटका लगा है। जी हां, इजराइल को काफी पीछे खिसकना पड़ा है अपनी पोजीशन से, क्योंकि इजराइल लगातार लेबनान में आके बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन इस बीच खबर आई है कि लेबनान में हिजबुल्लाह की तरफ से कुछ हमले हुए हैं, जिसके बाद इजरायली सेना को पीछे की तरफ जाना पड़ा है। इसी पर बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, खबर ये आ रही है, देखिए लगातार हमला चाहे हिजबुल्लाह की तरफ से हो, ईरान तो पहले ही हमने देखा कि किस तरह के हमले कर रहा है और आगे आने वाले दिनों में इसकी स्ट्रेटेजी भी बहुत बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल को बड़ा झटका लगा है। किस तरह से, बताइए। बिल्कुल ठीक कहा नीलू आपने, पिछले 24 घंटे में लेबनान में इजराइल को बड़ा झटका लगा है। जो ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल की तरफ से किया जा रहा था, आईडीएफ की तरफ से किया जा रहा है, इसमें बड़ा झटका लगा है। और बताया जा रहा है हिजबुल्लाह की तरफ से ये दावे हैं कि इजरायली सेना के 3 टैंक्स तबाह कर दिए गए हैं और 6 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई है। देखिए, ये यारून इलाका है लेबनान का, और जो कि जैसा बताया जा रहा है कि इजरायली सेना 2 किलोमीटर तक जो है वो लेबनान के अंदर प्रवेश कर गई है और यहाँ पे टैंक्स भी हैं और इजरायली सेना जो है ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है। अब हिजबुल्लाह और इजरायली फोर्सेस के बीच लेबनान के इस इलाके में आमने सामने की जंग हो रही है। और देखिए, हिजबुल्लाह के लड़ाके जो हैं वो लगातार आईडीएफ और इजरायली सेना जो कि लेबनान में अंदर आई है उसको निशाना बना रहे हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि 3 टैंक्स जो हैं वो एंटी टैंक मिसाइल्स जो हैं उस पर दागे गए और 3 टैंक्स इजराइल के तबाह हो गए। देखिए, पहले भी हिजबुल्लाह की तरफ से ये वार्निंग दी गई थी, कहा गया था कि अगर इजराइल के टैंक्स अगर अंदर घुसते हैं तो हम उन्हें पीछे धकेलने पर मजबूर कर देंगे। और देखिए, वैसे ही अभी जो 24 घंटे में 3 मतलब जो खबरें आई कि 3 जो है टैंक्स तबाह हो गए हैं और 6 इजरायली सैनिकों की जो है वो मौत हो गई है। देखिए, ये ग्राउंड ऑपरेशन जो है ये इजराइल के लिए आसान बिल्कुल नहीं होने वाला है। देखिए, हमने देखा कि क्या जो इराक में हुआ, जो अफगानिस्तान में हुआ, देखिए कभी भी कोई भी कंट्री जब किसी दूसरे देश में ग्राउंड ऑपरेशन करती है तो ये चुनौती आसान नहीं होती। देखिए, एयर स्ट्राइक करना एक अलग बात है, आप मिसाइल्स अटैक कर सकते हैं, एयर स्ट्राइक कर सकते हैं, वो आसान होते हैं, आपने टारगेट फिक्स किए और आपने मिसाइल छोड़ दी या एयर स्ट्राइक कर दी। लेकिन जब आप ग्राउंड ऑपरेशन करते हैं तो ये बड़ी चुनौती बन जाता है फोर्सेस के लिए वहाँ पे ऑपरेशन करना। देखिए, ये जो पूरा लेबनान का इलाका है, जिस दक्षिणी लेबनान में सीमा से जुड़े इलाकों में जो ये ऑपरेशन हो रहा है, ये हिजबुल्लाह का इलाका है। यहाँ पे जो हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं वहाँ पे वो इस पूरे इलाके से अच्छी तरह से परिचित हैं, कहाँ पे हथियार रखे हुए हैं, कहाँ पे टनल्स बनी हुई हैं, छुपने के इलाके कहाँ पे हैं, आईडीएफ पे इजरायली सेना पर हमला करने के बाद कहाँ छिपना है, ये पूरा इलाका हिजबुल्लाह के लड़ाके और कमांडर्स अच्छी तरह जानते हैं। ये इलाका इजरायली सेना के लिए नया है। तो पहली बात तो ये कि इजरायली सेना जो है वो तेज़ी से आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि आपको पीछे बैकअप चाहिए होता है, उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। तो ये ग्राउंड ऑपरेशन जो है इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती होगा और ये उतना आसान नहीं होगा। देखिए, आपने भले स्ट्राइक हुई और बड़े लीडर्स आपने मार दिए, या आपने बेरूत में या दक्षिणी लेबनान में एयर स्ट्राइक में बड़ी तबाही की है, इससे बड़ा सेटबैक हुआ हिजबुल्लाह को, लेबनान को, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन जो है वो बिल्कुल भी इजराइल के लिए जो है वो आसान नहीं होने वाला। अगर आसान नहीं हुआ इजराइल के लिए, तो क्या ये हम मान के चले कि हिजबुल्लाह, जो कि इजराइल कह रहा था कि हमने बहुत हद तक उसे डैमेज किया है एयर स्ट्राइक के जरिए और इसीलिए वो अंदर घुसने में कामयाब रहा, कि अब तो ग्राउंड पर हिजबुल्लाह को ख़त्म किया जाएगा? लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि वहाँ पर स्थिति अनुकूल नहीं है इजराइल के लिए। अब ऐसी परिस्थिति में क्या, क्योंकि हिजबुल्लाह तो देखिए हमले कर रहा है ग्राउंड पे, लेकिन दूसरी तरफ ईरान भी पूरी तरह से तैयार है और ईरान को लेकर कहा यह जा रहा है कि हो सकता है ईरान भी इस बीच अटैक कर दे। हालांकि देखिए, इजराइल भी लगातार अटैक कर रहा है, लेकिन नुकसान इजराइल का भी पूरा है। देखिए, ये जो ईरान ने जो बैलिस्टिक मिसाइल से, फतेह-1 मिसाइल से जो हमले हुए इजराइल के ऊपर, इसने जो है एक प्रकार से आप देखें तो हिजबुल्लाह का जो है वो मनोबल फिर से बढ़ा दिया है। देखिए, लगातार जो इजराइल की तरफ से अटैक्स हुए हिजबुल्लाह के खिलाफ, उसमें नसरल्ला की मौत हो जाती है, बड़े टॉप कमांडर्स की मौत होती है। इसके बाद से एक हिजबुल्लाह ऐसा लग रहा था कि एक बैक फुट पे आ गया है। लेकिन ये ईरान की जो एयर स्ट्राइक हुई, जो मिसाइल अटैक हुए बैलिस्टिक मिसाइल से, इसने मानो ऐसा लगता है कि हिजबुल्लाह को एक बड़ा मौका दे दिया है, फिर से जिंदा कर दिया है, फिर से यूनाइटेड होने, एकजुट होने का मौका दे दिया है। और देखिए, इसी का नतीजा ये है कि कल बताया जा रहा है, ऐसी खबरें हैं कि जो हाइफा इलाका है उत्तरी इजराइल का, वहाँ पे हिजबुल्लाह की तरफ से 210 रॉकेट्स कल रात को फायर किए गए। उसमें से 90% से ज़्यादा रॉकेट्स जो आयरन डोम सिस्टम है उसने उसको तबाह कर दिया, लेकिन कुछ रॉकेट्स ऐसी खबर हैं कि गिरे भी हैं। तो देखिए एक प्रकार से आप देखिए इतनी बड़ी स्ट्राइक इजराइल ने कर रखी है हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान में, उसके बाद भी हिजबुल्लाह जो है वो लगातार हमले अब भी कर रहा है। इजराइल की तरफ से भी कहा जा रहा है कि कई ऐसे शहर को लेबनान में निशाना बनाया गया है जहां पर डैमेज हुआ। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। जैसे ही कल रात को हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट्स फायर हुए उसके बाद खबरें आई कि इजराइल ने बड़ी एयर स्ट्राइक की है बेरूत में और कई हिजबुल्लाह के ठिकानों पर, और लगातार जो है वो बमबारी की गई। F-35 प्लेन से बमबारी हुई है और कई इलाके पूरी तरह से तबाह हो गए। तो इजराइल की तरफ से भी जो है पलटवार जबरदस्त हुआ है और लेबनान में कई ठिकानों पे हमले हुए हैं। देखिए एक सवाल यहाँ पर और आप इसका जवाब दीजिएगा मैम, चूंकि ईरान ने एक बड़ा हमला किया, हिजबुल्लाह को जिंदा किया, हिजबुल्लाह पूरी दमखम के साथ इजराइल पर हमला कर रहा है, हालांकि इजराइल भी हमला कर रहा है लगातार हिजबुल्लाह और उसके कई ठिकानों के ऊपर। लेकिन यहाँ पर बात ईरान की हो रही है। अगर ईरान की बात की जाए तो अमेरिका ने इंटरवीन किया कि देखिए ये जो युद्ध है आगे बहुत खतरनाक हो सकता है, उसके बारे में भी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिएगा। लेकिन ईरान भी कहता है कि हम क्या करें, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, इजराइल ने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा और यही वजह थी कि हमने इतना बड़ा हमला किया, अगर आगे भी इजराइल इसी तरह से हमला करता रहेगा तो हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। ये आप ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान के जो बयान है उसका जिक्र कर रहे हैं। देखिए कल पेज़ेश्कियान जो है एक भाषण दे रहे थे, उसमें उन्होंने ये बात कही कि देखिए ईरान जो है वो युद्ध नहीं चाहता, हम शांति चाहते हैं, लेकिन इजराइल ने हमारे लिए जो उनके शब्द थे कि इजराइल ने हमारे लिए कोई और रास्ता नहीं छोड़ा था, लगातार इजराइल की तरफ से हमले हो रहे थे, इसलिए हमें जवाब देना था और इसलिए ईरान की तरफ से ये हमला किया गया, हम आगे युद्ध नहीं चाहते। ये पेज़ेश्कियान की तरफ से बयान आया है। लेकिन देखिए आपको ये भी समझना होगा कि अब इजराइल की तरफ से नेतन्याहू इस बात पे अड़ गए हैं कि इजराइल इस हमले का बदला ज़रूर लेगा। बताया जा रहा है कि कल एक बड़ी बैठक हुई है जिसमें नेतन्याहू शामिल थे, मोसाद और शिनबेट जो है उनके अधिकारी शामिल थे। एक बड़ा प्लान तैयार किया गया है ईरान के खिलाफ, जिसमें कई ऑप्शंस हैं जिनके बारे में चर्चा हो रही है, जो एक्सपर्ट बता रहे हैं, और बताया जाता है कि इस बैठक में जो है वो पूरा प्लान तैयार हो गया कि कैसे ईरान पे हमला करना है। बताया जा रहा है कि ईरान की जो ऑयल रिफाइनरीज़ हैं, जो ऑयल डिपोज़ हैं, ये इजराइल के निशाने पे हैं। करीब 10 बड़ी ऑयल रिफाइनरी हैं, 10 बड़े ऑयल डिपोज़ हैं, उसमें से 7 पे जो है इजराइल कभी भी सीधा हमला कर सकता है अपनी मिसाइल से। इसके अलावा जो ईरान के सैन्य ठिकाने हैं ये इजराइल के निशाने पर हैं, जो मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स हैं इस पर इजराइल हमला कर सकता है, नेवल बेस और युद्ध पोत जो हैं उस पर अटैक हो सकता है। और इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि मोसाद की तरफ से एक बड़ी टारगेट किलिंग ईरान में शुरू हो सकती है। अच्छा, मोसाद जो है आप देखिए युद्ध के रिप्लाई करने के कई तरीके हो सकते हैं। नसरल्ला को जिस तरह से ख़त्म किया गया है ना, हनिया पे जिस तरह से हमला हुआ, इसी तरह की एक टारगेट किलिंग जो है मोसाद की तरफ से भी शुरू हो सकती है और साथ ही एक बड़े लेवल पे स्ट्राइक भी हो सकती है। लेकिन इसके सब के बीच में जो सबसे चिंता की बात है वो ये है कि क्या ईरान की न्यूक्लियर साइट्स, परमाणु ठिकाने क्या इजराइल के निशाने पर हैं। देखिए आप जो कह रही थी कि एक बयान अभी जो बाइडन की तरफ से आया इस पूरे हमले के बाद, जो स्थिति बनी है इसके बाद G7 कंट्रीज़ की एक आपात बैठक बुलाई गई। बताया जा रहा है कि इस बैठक में जो बाइडन की तरफ से ये कहा गया कि हम नहीं चाहते कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर को निशाना बनाया जाए। ये बात जो बाइडन की तरफ से कही गई। खबर बार बार आ रही थी कि अगर इजराइल को टारगेट करता है तो वो ईरान का न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है जो उसके निशाने पर है, और काफ़ी दिनों से ये सुनने में आ रहा है कि हो सकता है टारगेट करे। तो क्या इसकी इन्हीं आशंकाओं के बाद बाइडन का ये बयान, क्योंकि देखिए सिर्फ न्यूक्लियर प्लांट पे या वहाँ पर जो उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं उस पर हमला सिर्फ ईरान के लिए ही खतरनाक नहीं है बल्कि सबके लिए खतरा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। अगर ये किसी भी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट साइट पर अगर हमला हो जाता है उसके बाद जो रेडिएशन होगा उस वो किसी के काबू में नहीं होगा। उसके बाद तो ये मान लीजिए आप कि ये बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा, चेरनोबिल से बड़ा हादसा हो सकता है। तो इसीलिए शायद जो बाइडन कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि किसी तरह से जो है वो न्यूक्लियर साइट्स जो हैं उसको निशाना बनाया जाए। देखिए बाइडन का ये कहना अपने आप में ये बता रहा है कि अब इस पूरे इलाके में कुछ भी हो सकता है। और देखिए एक और बड़ी दिलचस्प खबर है इस पूरे मामले को लेके। सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि कल नेतन्याहू ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को जो है फ़ोन लगाया था लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने नेतन्याहू का फ़ोन लाइन पे ही नहीं आए, उन्होंने उस फ़ोन कॉल का जवाब ही नहीं दिया। देखिए अभी एंटरटेन ही नहीं करना बिल्कुल। अभी देखिए आप, हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ईरान ने जो है ये जो हमला किया इसराइल पे, उस हमले के पहले उसने रूस को फ़ोन करके पूरी जानकारी दे दी थी कि हम जो है मिज़ाइल अटैक करने जा रहे हैं। ऐसा बोला जाता है, जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, सोशल मीडिया में चर्चा है कि रूस से हरी झंडी मिलने के बाद ही ईरान ने यह अटैक किया। उसके बाद कल खबर आती है कि नेतन्याहू ने रूस के राष्ट्रपति को पुतिन को फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने वो फ़ोन नहीं उठाया। तो देखिए एक बात तो आप ये साफ है कि ये पूरी लड़ाई जो है ना वो सिर्फ अब इजराइल, अगर देखिए इजराइल पलटवार करता है और अगर ये बड़ा मिसाइल अटैक होता है ईरान के ऊपर, तो फिर ये लड़ाई ईरान और इजराइल की नहीं है। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि ये अमेरिका वर्सेस रूस की लड़ाई है, जिसमें चीन भी खड़ा हुआ है, नॉर्थ कोरिया भी जो है रूस और ईरान के साथ खड़ा दिखाई देगा। शायद यही वजह है कि देखिए रूस और इजराइल के बीच में एक बड़ा कम्युनिकेशन गैप जो है वो ऑलरेडी जो है वो दिखाई दे रहा है। दूसरी एक चीज़ बात और जो सामने है कि इजराइल की तरफ से जो कार्रवाई होती है, क्या अमेरिका भी उसमें इजराइल का साथ देगा? देखिए जो फारस की खाड़ी है, कैस्पियन सी है, ओमान की खाड़ी है, यहाँ पे अमेरिका के वॉरशिप्स तैनात हैं, जिनमें मिसाइल्स तैनात हैं और उनके निशाने पर ईरान के कई सेंटर्स हैं, एयर बेसिस जितने हैं वो सब निशाने पर हैं। तो अगर अमेरिका चाहे तो वो इजराइल के साथ मिलकर एक बड़ा हमला कर सकता है ईरान के ऊपर, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा? क्या ये एक वर्ल्ड वॉर की शुरुआत की दिशा में पहला कदम होगा या कोई बड़ा खाड़ी युद्ध छिड़ जाएगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। और शायद यही वजह है कि हर देश इस पूरे मामले में जो इन्वॉल्व है वो बड़ा फूक के हर कैलकुलेशन के साथ अगला कदम उठाना बिल्कुल। और अगर कैलकुलेशन के साथ ये कदम ना उठाया गया तो फिर विश्व युद्ध तो इसे कहा जा सकता है, क्योंकि अगर अमेरिका, रूस, चाइना इसमें कूदा बैंक तो बहुत स्थिति खराब होगी। लेकिन इजराइल का आपने प्लान बताया कि किस तरह से उसने प्लान बनाया है ईरान में किन किन जगहों को ख़त्म करना है, लेकिन दूसरी तरफ खबर यही भी आ रही है कि ईरान ने भी अपनी तरफ से प्लान बनाया, क्योंकि देखिए अगर वो जंग में कूदा है तो इसी तरह से तो कूदा नहीं होगा, उसने भी कुछ एक अच्छा प्लान बनाया होगा ताकि अगर इसराइल की तरफ से या अमेरिका उसका साथ दे, हमला हो तो वो भी पूरे जवाब में हमला दे। बताया जा रहा है कि ईरान की तरफ से भी नेतन्याहू हो या उनके रक्षा मंत्री हो, ये सब निशाने पर हैं। बड़े बड़े मोसाद के हेडक्वार्टर हैं या फिर उनके एयर बेसेस हैं, यानी ईरान ने भी पूरी तैयारी कर ली है कि अगर नुकसान हमारा हुआ उससे ज़्यादा ही करेंगे हम इसराइल का। देखिए ईरान की तरफ से ये बात बिल्कुल साफ कर दी गई है कि अगर किसी भी तरह का पलटवार इसराइल की तरफ से होता है तो फिर उसके लिए इसराइल को अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। और दूसरी चीज़, ईरान की तरफ से ये भी कहा गया है कि अमेरिका को इस पूरे मामले से दूर रहना चाहिए। तो देखिए ईरान ने जो हमले किए, जो बैलिस्टिक मिसाइल से हमले हुए, उसके बाद इस बात के लिए तो ईरान भी तैयार है। ये सब जान रहे हैं कि नेतन्याहू खामोश नहीं बैठेंगे और इसराइल इस पर जो है, इसराइल कह ही रहा है कि हम वक्त भी हम तय करेंगे, जगह भी हम तय करेंगे। तो ये बात तो तय है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर हो सकता है कि आज की रात भारी पड़ जाए, हो सकता है 48 घंटे, हो सकता है 72 घंटे, लेकिन इसराइल की तरफ से पलटवार होगा, ये बात तो एकदम तय है। और ईरान भी इसके लिए तैयार है कि अगर पलटवार होता है तो फिर आगे क्या करना है। तो देखिए दोनों तरफ से जो है वो आगे की रणनीति तैयार है। अब बस देखना ये है कि क्या इस पूरे वॉर का नतीजा किसी बड़े युद्ध का रूप लेता है या नहीं। बिल्कुल। तो ज्वालामुखी के मुहाने पर इस वक्त मिडिल ईस्ट बैठा हुआ है। ईरान हमला करेगा कि नहीं करेगा, इसराइल का हमला कितना बड़ा होगा, अमेरिका की इसमें क्या भूमिका होगी, रूस इसको लेकर क्या सोचता है, इन सब को लेकर लगातार हमारी चर्चा हम करते रहेंगे। ये तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहें।